हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेंसर विसर, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2020 की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। वेल देखिए, यहाँ पर कुछ आंसर्स कंफ्यूजिंग हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने जो आंसर की डिज़ाइन की थी उसी आंसर की पे हम लोग इसके ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करेंगे। बस कलर हमने थोड़ा ब्लू कलर कर लिया है। पहला क्वेश्चन है, मध्य देश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 20%, मतलब बी आंसर दिया है। बेसिकली यहाँ पे 17% मिलता है, लेकिन उन्होंने इसका सही आंसर दिया है 20। एनीवे, यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट लगाया सकता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? वेल देखिए, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विधन पाणियों से निकलती है, कुमरा गांव से निकलती है, आप जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, मध्य से किस भाग में वार्षिक तापमान अंतर अधिक रहता है? हालांकि कुछ कोचिंग वालों ने इसका आंसर दक्षिणी दिया था, लेकिन इसका सही आंसर मैंने उत्तरी दिया था और इसे उत्तरी इन्होंने भी सही आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, अब कहाँ से बढ़ता है? तो कुछ कोचिंग वालों ने पूर्व से पश्चिम की ओर दिया था, लेकिन इसका आंसर मैंने दिया था दक्षिण से उत्तर की ओर, और इसका सही आंसर एमपीपीएससी ने भी सही माना है, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट, अधात्विक खनिज है। अब इसमें अधात्विक खनिज कौन सा है? संगमरमर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? वेल देखिए, इसका सही आंसर उन्होंने भी माना है बी, तो इसका सही आंसर है 12। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये है हमेशा सीधा, तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिए, स्वाद बढ़ाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहा बी आपका, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था, तो इसका सही आंसर रहा सी। तो यहाँ पर देखा तो हमारे सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसमें देखा है तो यहाँ पर सारे ही संबंधित हैं, तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं, रैम एक प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करती है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, XML का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर हुआ बी। ऑलराइट, तो इसका आंसर भी यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय की तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है? तो यहाँ पे इन्होंने सही आंसर दिया है सी, तो ये सी हमने भी सही लगाया था, बाकी कोचिंग वालों ने कुछ अलग अलग दिया था, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर है सी। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो ब्लोफिश की बात करें तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यह है सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, तो ये आपका आंसर है ए। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो प्यूमा का फुल फॉर्म पूछा गया है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, इसका सही आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य से किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? इसका सही आंसर दिया बी, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मध्य देश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना है? इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट हम मान रहे थे, तो इस क्वेश्चन की बात करें हल्का डिस्प्यूटेबल है, इसका सही आंसर उन्होंने माना है डी, तो ये आंसर रहा है इनका डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? वेल देखिए, ये क्वेश्चन क्यों डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि उन्होंने फसल क्षेत्र में विकास दर पूछा है। यहाँ पे फसल क्षेत्र का मतलब है फसल, अब यहाँ पर यदि एरिया की बात करें तो एरिया ही हो जाएगी, अब यदि बात करें फसल क्षेत्र में विकास दर की बात करें, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि एरिया यहाँ पे हो जाएगा तो फिर दिक्कत है यहाँ पे, अदरवाइज फसल का जो सेक्टर है उसकी बात करें तो फिर बात अलग हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 19 का मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। ओके, यहाँ पे धोखे से मैंने छिंदवाड़ा बोल दिया था, इसका सही आंसर है भोपाल, तो ऑब्वियस बात है इसका आपका जनजाति संग्रहालय बेसिकली भोपाल में है, हालांकि इसकी झांकी की भी प्रस्तुत की गई थी, आपको याद होगा रिपब्लिक डे के परेड में। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? बोल देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर है ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है? सिंपल है, डी, हीरा, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। अब इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट था, कुछ लोग कहना है यमुना बेसिन है, कुछ लोग कहना है गंगा बेसिन भी है। वेल देखिए, इससे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका सही आंसर उन्होंने दिया सी, लेकिन MPPSC ने कुछ साल पहले एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, कि पचमढ़ी कौन सी पहाड़ी में है। अब वहां पर उन्होंने महादेव भी लिखा था, सतपुड़ा भी लिखा था, बाद में उस क्वेश्चन को उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि महादेव और सतपुड़ा दोनों से सही आंसर थे। तो यहां भी देखा है तो यमुना बेसिन भी गंगा बेसिन का पार्ट है, तो हिसाब से गंगा बेसिन का पार्ट चंबल नहर कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट क्रिएट किया सकता है, ये MPPSC के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, MPPSC ने भी ऐसे पचमढ़ी की बात करें तो वहां पे इस तरह से उन्होंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया था, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगले आपके सामने, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका बी, ये कंप्लीटली सही है। मध्य की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है, ये भी देखा तो यहाँ पे सिंपल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? तो कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है? तो यहाँ पे देखा है तो डी बाजरा की बात करें, कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो इसका भी आंसर हमने यही दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर हमने डी दिया था और MPPSC ने भी इसका सही आंसर बेसिकली डी दिया है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर दिया ए, तो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है जो महारत्न में नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, 28 का डी हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करिए, महारत्न में नहीं आता, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन कमेटी एंड फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की बात करें, इसकी सही अध्यक्षता किसके द्वारा की आती है? इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट बना था लेकिन उन्होंने इसका आंसर बी दिया है, तो देखा तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर है आपका डी, तो ये भी आंसर यहाँ पे सही है। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी सेना देश में सेना द्वारा तत्पलट किया गया? तो ये आपका म्यांमार, तो ये भी बेसिकली सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुजान में है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं, दस बी। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो ये है कर्णम मलेश्वरी, इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस किया था, तो ये आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है ए। अगला, हमारे देश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले कौन से पुरस्कार सर्वोच्च हैं? तो विश्व आनंद पुरस्कार की बात करें, सर्वोच्च है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य द्वारा राज्य तिरंदाजी अकेडमी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे, जबलपुर में है, तो इसका ये भी आंसर सही हुआ गया, इसको आप लोग कह रखें। 34वें का क्या है? 34वें का है डी, और 35वें की बात करें ये है सी। 36 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट था नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके सामने, तो यहाँ पे इसका सही आंसर माना है इन्होंने बी। तो यहाँ पे हालांकि मैं इसको कह रहा था कि ये एक या दोनों सत्य हो सकते हैं, बट कुछ कोचिंग वालों ने इसको असत्य बोला है, तो यहाँ पे देखा तो ये दोनों सत्य हैं, तो जिन लोगों ने इसको टिक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हालांकि इसको मैंने बोला जरूर था कि ये दोनों सही हो सकते हैं, तो फाइनली दोनों सही हैं, दैट्स वंडरफुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वेल देखिए, इसकी बात करें अरविंद पनगड़िया थे, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया एज ऑफ नाउ कौन है? राजीव कुमार है ना, प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं अरविंद कुमार, सॉरी राजीव कुमार याद रखिएगा, और CEO है अमिताभ कांत, है ना, प्रेजेंट टाइम में। अगले क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट जस्ट वन सेकेंड, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों को सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो बहुत सिंपल है, ये है डी, तो इसका सही आंसर MPPSC ने माना है डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है डी आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट, राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो देखा तो ये कानून उस समय आया था, तो इसका सही आंसर हुआ आपका ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्त मोहम्मद खां, तो देखा तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा बीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ आपका ए, ऑलराइट, सॉरी वन सेकेंड, इसका सही आंसर हुआ आपका बी, गहोरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी, तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? गहोरा, तो ये आप लोग याद रखें, हालांकि कुछ जगह बांधवगढ़ मिलता है लेकिन राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? गहोरा, तो ये यहाँ पे आपको क्लियर करना है, करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मांडू विजय दक्षिण विजय कुंजी था, यह किसने कहा था? वेल देखिए, हालांकि ये स्टेटमेंट कई जगह मिलता है अमर खुसरो का, तो इसका आंसर हुआ आपका डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट, भीम बेटका को किसने खोजा था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है डॉक्टर विश्वधर वाकड़कर, तो ये आप लोग याद रखें, 44 का सही हुआ आपका सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है भील, तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची को सुमेलित करना है, तो देखिए इसमें देखें तो कई सारे कोचिंग वालों ने इसका गलत आंसर दिया था लेकिन इसका सही आंसर है सी, याद रखिए, स्टेपीज जो है रूस का है, प्रेरीज, और ये आंसर जो है बहुत बड़ी कोचिंग जो हमारे मध्य की सो कॉल्ड है, उन्होंने इसका गलत आंसर दिया था, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्ड्स की बात करें दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर बेसिकली क्या है, ये है आपका टी, मध्य प्रदेश का नाम लिया, मध्य प्रदेश है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बात करें तो ये आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ पे पड़ेगा, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, तो इसका हो गया सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? ये आपका छोटा नागपुर का पठार, इसका हो गया आपका ए,
ऑल राइट, 49 का ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित दो कथन दिए आपको, तो दोनों को आपको देखना है कि कौन सा इसमें क्या है सही है। तो 50th की बात करें, इसका ए है, तो ऐसे स्टेटमेंट में यूजुअली दोनों सही होते हैं और व्याख्या भी सही होती है। भूरीबाई की बात करें, क्या है, चित्रकारी मतलब पेंटिंग के लिए फेमस है, तो पद्मश्री भूरीबाई, याद रखिएगा ये पेंटिंग के लिए हैं, तो ये क्वेश्चन रहा आपका ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कैलाश त्यागी का जन्म देश किस जिले में हुआ, तो इनका जन्म हुआ विदिशा में, तो ये हो गया आपका डी, विदिशा में। याद रहे बचपन बचाओ आंदोलन में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैलाश त्यागी का, तो याद रखिए ये कहाँ के हैं, विदिशा के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य से किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका रीवा, अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम जाना जाता है। वाले ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर है आपका बी, नीला पर्वत उद्यान। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई, ये है आपका चौरी चौरा शताब्दी समारोह, तो 55 का हुआ आपका सी, ये आप याद रखें, काफ़ी न्यूज़ में भी था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 6 वर्ष और 65 साल आपका रिटायरमेंट हो गया, तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट सही है, 56 का हुआ आपका ए, और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट यहाँ बेसिकली गलत है ना, रिटायर वो अपना रेजिग्नेशन जो है किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर है सी, इन्होंने इसका आंसर सी माना है, याद रखिए 57 का सी हुआ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग गठन किया गया, कब किया गया, तो इसकी बात करें, इसका सही आंसर आपका ए है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, इसकी स्थापना के बारे में क्या है, तो देखा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों सही हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा गठन किया गया, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका बेसिकली 10B, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, तो ये है नंदराम दास, तो ये आपका हो गया डी। अगला है, सात सागर नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य से किस नगर में संपन्न होती है, तो ये है आपका उज्जैन, तो यहाँ पे देखा तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने किस ने जैन धर्म अपना लिया, तो ये है बेसिकली धनपाल, तो 63 का क्या हो गया, ये हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो इसको काकनाबाद बोलते थे, राइट नाउ इज कॉल्ड काकड़म, तो ये हो गया आपका ए। तांटे भील का वास्तविक नाम क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये है आपका बेसिकली, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ जगह लिखा है टांटिया, लेकिन इनका रियल नाम था इसमें लिखा है MBPSC के हिसाब से टंड्रा, तो यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट हो गया है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर इन्होंने दिया है डी, तो टांटिया और टंड्रा में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएँ हैं, तो जो इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर डी ऑप्शन आप क्लिक कर दो, दैट्स फाइन, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पे है, ये है आपका दैट्स लोकेटेड पुणे, तो ये आपका हो गया ए। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्र संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया, तो ये आपका हो गया नॉर्वे, तो 68 का हो गया आपका बी। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रास से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है, तो ये आपका रत्ना, तो ये आपका हो गया सी, तो 69 का क्या हो गया, 69 का हो गया आपका सी है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका माता एवं शिशु की दर को कम करना, तो ये हो गया आपका ए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तत्व को मानने वाले इतिहास कौन थे, तो मजुमदार और एस एन सेन, तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हुआ, 51 का ए। अगला है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी गाड़ियों को कोई भी मित्रतापूर्ण दृश्य नहीं देखता, तो ये है कौन, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे इस बार, WH Russell। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारतीय ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, तो ये बोला था चार्ल्स मेटकाल्फ ने। वेल देखिए, चार्ल्स मेटकाल्फ का नाम वैसे फेमस है, इन्हें प्रेस का मुखदाता बोला जाता है,
1856 के इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई? याद रहे यहीं पे मध्य देश का भी फॉर्मेशन हुआ है, चार राज्यों को मिला के केंद्र प्रांत और बिरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिला के मध्य देश बनता है। तो याद रखिएगा ये है आपका ए। 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, है ना। तो 74 का सही आंसर क्या हुआ, ये हुआ ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्राइवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो इसका सही आंसर आपका 1971, तो ये है आपका डी। तो 75 का हुआ डी। 76 की बात करें, किस संगठन ने व्योममित के नाम किससे भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो क्वेश्चन दिखा है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपका बी, इसरो, सॉरी इट्स नॉट डी, इस बी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गार्टनर के अनुसार चार चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? देखिए पहले सूचना है, फिर सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। तो 77 का सही आंसर क्या है, 77 का सही आंसर है आपका डी, सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो ये क्या है, 78 का सही आंसर इन्होंने दिया है ए। तो यहाँ पे याद रखिएगा इन्होंने ए दिया है एनीवे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट वैसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 79th क्वेश्चन, लेट मी चेक द 79th क्वेश्चन। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है क्या? तो ये देखिए, तो ये है आपका डैश कॉल्ड वन, सॉरी IPv6 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दिया है इसका सही आंसर सी, 128 बिट। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो 80th का सही आंसर इसमें दिया डी, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो देखा है तो ये भी यहाँ पे हल्का कोऑपरेटिव फिल्टरिंग भी हल्का डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है? तो ये आपका नागालैंड। तो याद रखिएगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये है बी, 81st का बी। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो यह है कास्टिंग सोडा, तो ये 82nd का हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो एल्ब्रस जो है आपका 10 जून यूरोप, 33 का इन्होंने सही आंसर दिया है सी, 33 का यहाँ पे सही आंसर है सी। कूट मिलोन में सुमिलित करना है यहाँ पे, तो 84 का इन्होंने सही आंसर दिया है बेसिकली ए, तो आपका ए हो गया। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ पे है? डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन है आपका अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागाती कृषि जो है, बागवानी कृषि जो है मलेशिया, और वाणिज्यिक फल उत्पादन जो है फ्रांस, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो ये तमिलनाडु और गुजरात, ये इसका सही आंसर दिया उन्होंने सी, 85 का सी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पर जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इस क्वेश्चन में हल्का डाउट था, तो इसका सही आंसर उन्होंने दिया ए। तो इसका सही आंसर हमने भी दिया था, बुद्धघोष की सामंत पासादी का। कुछ लोगों ने कौटिल्य का अर्थशास्त्र दिया था, उसका कोई रिलेवेंट यहाँ पे है नहीं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? वेल देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट था, और इसका सही आंसर उन्होंने भी अरोड़ दिया है, तो इसका सही आंसर वो आपका अरोड़ है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसकी बात करिए आपका ए, साकी मुस्तैद खान। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो याद रखिए ये आपका जूता, तो ये हो गया आपका डी। 89 का सही आंसर यहाँ पे हुआ डी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये है देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रहे केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, तो 90th का इसमें सही आंसर दिया है ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? देखिए यहाँ पे कई लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं, तो 945 बेसिकली इसका डॉक्यूमेंट मिलता है, तो 1945 की बात करिए सही आंसर दिया है MPPSC ने भी, और कई जगह मिलता भी है, तो ये है इसका सही आंसर हुआ सी। तो याद रखिए ये है इसका सही आंसर सी, इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स न्यू डेवलपमेंट। भारत शासन अधिनियम मोले मुंडेगो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये हैं SC मुखर्जी। तो 92nd का सही आंसर इन्होंने माना है सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? वेल देखिए ये क्वेश्चन देखा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर माना है राष्ट्रपति काश है। वेल देखिए दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, अब इन्होंने किस एंगल से माना है इसका सही आंसर ए, बट ये आंसर आपका ए, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्व कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन की को निषेध करता है, ऐसा निषेध क्या है? तो यहाँ पे देखा तो इसका सही आंसर हमने ए किया है, इन्होंने भी से ए किया है, पूर्ण निषेध। ऐसे कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे गए थे जो थोड़ा सा रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। 95th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया है दो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इसका सही आंसर माना इन्होंने सी, मतलब सी दोनों सही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया, अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया, ये लॉजिक मेरे समझ नहीं आए, बट एनीवे
इन्होंने बोला है कि दोनों सही हैं, तो ये इसका सही आंसर बना है सी, तो सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य देश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, तो ये देखा तो ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपके भगवत दयाल शर्मा, क्या नाम है, भगवत दयाल शर्मा, याद रहे भगवत दयाल शर्मा इनका नाम है, नाम है भगवत दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर हुआ आपका डी, सॉरी मैंने टिक करना भूल गया, पहले जो क्वेश्चन हमने टिक कर रखा था वो भी भगवत दयाल शर्मा ही थे, है ना, और अभी भी जो हमने टिक करने वाले हैं ये भी आपका भगवत दयाल शर्मा ही है ना। तो राइट नाउ मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल रहे हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 96 का सही आंसर क्या है, ये है आपका डी, ठीक है, डी राइट आंसर। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर नहीं रहे, मतलब लीडर अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये कभी नहीं रहे। तो हम लीडर अपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तो दिव्या सिंह हो गए, और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे मोतीलाल वोरा, ये दोनों नहीं रहे, तो 97 का सही आंसर है बी, सॉरी बी नहीं बल्कि ए, मतलब ए दोनों सही हैं, एक और दो सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश विधानसभा कार्रवाई का सही क्रम चुनिए। अब ये क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट था वैसे देखा जाए तो इनका माना इन्होंने बी सही आंसर, हमने सी बोला था लेकिन इन्होंने बी माना है। जिनका कहना है ये पहले शपथ या प्रतिज्ञान होगा, है ना, फिर होगा यहाँ पे राज्यपाल का अभिभाषण, फिर होगा यहाँ पे मंत्रियों का परिचय, फिर निधन संबंधी उल्लेख लास्ट में होता है, तो ये इन्होंने माना है 3, 2, 4, 1। हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए हैं, बट इसका सही आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, तो क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो ये है आपका सी, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य देश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये है आपका 100th का ए, 243 ना एक, है ना। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, आप लोग असेस कर सकते हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन हल्का डाउटफुल हैं, तो शायद उन क्वेश्चन को हल्का रिवाइज किया जाए, चैलेंज करेंगे लोग तो पता चलेगा, बट एनी वे ये रहा आपकी पहली आंसर की, अगली जब आंसर की आएगी तो पता चलेगा बाकी क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या हो सकता है अभी, हालांकि बी उन्होंने किसी आंसर डिलीट नहीं किए हैं, तो इसलिए कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फिर भी हम इसको असेस करेंगे। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं उनको बता दूं, रामसुनी MBPSC नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आज रात को 10 बजे मैं लाइव रहूँगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे MBPSC के लिए हमें अभी स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट करना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हमारे बैच कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 4 अगस्त से, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन भी कर सकते हैं 4 अगस्त से, MBPSC मेंस के लिए और 1 ईयर बैच कोर्स दोनों लॉन्च हो रहे हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं रामसोनी MBPSC टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पर उस बैच कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।